आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी से कुछ बड़ी गलतियां हो गई हैं। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की क्या हार पक्की हो गई है। आखिर ये 3 सीटें कहां हैं वो भी आपको बता देते हैं। ये जो 3 सीटों की बात हम कर रहे हैं वो तीनों ही सीटें राजस्थान में है, जहां भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण के जाल में फंस सकती है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है वो भी उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दरअसल राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 15 लोकसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन 3 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को इस बार कड़ी चुनौती मिल सकती है, कड़ी टक्कर मिल सकती है, कांग्रेस खेला कर सकती है। और इसके साथ ही जो दलित, आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक है, इसके अलावा जाट वोट बैंक है, वो इन 3 सीटों पर बड़ा खेला कर सकते हैं। चलिए आपको उन 3 सीटों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहली सीट है नागौर, एक बड़ी ही अहम सीट है। हनुमान बेनीवाल यहां से सांसद हैं, उनकी अपनी पार्टी है। हालांकि पिछली बार जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तब हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बीजेपी ने किसी को उतारा नहीं था, तब ये एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल एनडीए से अलग हो चुके हैं और पूरे इलाके में इनका बड़ा दबदबा है, बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। और ये जाट बहुल इलाका है, करीब 70% आबादी जो है वो जाटों की है। ऐसे में जाट बड़े ही अहम भूमिका में हो जाते हैं। अहम क्या कहिए, जिसकी तरफ जाट गया वो लोकसभा पहुंच गया, यही वाला हाल रहता है। अब ऐसी स्थिति में इस बार हनुमान बेनीवाल तो बीजेपी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब जाहिर है कि यहां भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ना लगभग तय हैं और शायद ऐसा भी हो जाए कि इन्हें हार का सामना भी करना पड़ जाए। और ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, बीजेपी ने अपना टिकट दिया है, ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है, जो कि विधानसभा चुनाव हार चुकी है। जब अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे 2023 में राजस्थान में, उस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और ऐसी स्थिति में विधानसभा चुनाव में हारी हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में मुकाबला होगा मौजूदा सांसद हनुमान बेनीवाल से, तो ऐसे में तो कहा नहीं जा सकता है कि नतीजे क्या होंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि बीजेपी की यहां मुश्किलें बढ़नी लगभग तय मानी जा रही हैं। जिस तरह से हनुमान बेनीवाल मौजूदा सांसद हैं, जाटों का एक बड़ा वोट बैंक है, और तमाम चर्चा भी होती रहती है कि कुछ जो जाट हैं वो शायद बीजेपी से नाराज हैं, और अगर ये नाराजगी भारी पड़ गई ना तो बीजेपी को यहाँ हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अब ज्योति मिर्धा के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अगर विधानसभा चुनाव में जीत नहीं मिली तो लोकसभा चुनाव में कैसे जीत हासिल करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। खैर, अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो सवालों का जवाब तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन यहां बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं, बांसवाड़ा एसटी सीट है, ये सुरक्षित सीट है, और यहां भी बड़ा मुकाबला जो है वो दिलचस्प हो सकता है, और भारतीय जनता पार्टी को यहां भी बड़ा झटका लगना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि महेंद्र मालवीय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और खास बात यह है कि ये कांग्रेस के विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तो मतलब कांग्रेस से आए हुए नेता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। और यहाँ जो है भारतीय आदिवासी पार्टी का बड़ा प्रभाव है और अच्छा खासा जो है उसका वर्चस्व है, आदिवासी मतदाताओं का इस पूरे लोकसभा क्षेत्र पर एक बड़ा ही प्रभाव है और कांग्रेस भी यहाँ मजबूत स्थिति में है। अब ऐसे में यहाँ एक दिलचस्प मुकाबला ये भी हो सकता है, जो भारतीय आदिवासी पार्टी है और कांग्रेस लगातार दोनों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत भी चल रही है, तो ऐसे में अगर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी ने साझा उम्मीदवार उतार दिया तो महेंद्र मालवीय के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी लगातार, मतलब यहाँ बीजेपी जीत भी रही है, लेकिन इस बार मामला फंस सकता है, क्योंकि कांग्रेस छोड़ करके आए व्यक्ति को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, महेंद्र मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है, और अगर कांग्रेस की भी स्थिति यहाँ ठीक ठाक है और अगर भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस ने एक संयुक्त उम्मीदवार उतार दिया तो निश्चित तौर पे ये मानकर चलिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी फंस सकती है।
अगली सीट है करौली धौलपुर। हालांकि मौजूदा समय में जब ये लिस्ट अभी आई है भारतीय जनता पार्टी की 15 उम्मीदवारों की, तो इसमें इस सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ का भी जो जातीय समीकरण है वो निश्चित तौर पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। माली जाति का यहाँ अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसके अलावा दलित जो वोट बैंक है उसमें जो जाटव जाति है उसका भी बड़ा प्रभाव है, और 3 लाख से ज्यादा जाटव मतदाता है। तो यानी यही डिसाइड करेंगे किसकी जो है वहां पर जीत होगी। 2023 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो जितनी भी सीटें थी, 8 सीटें हैं यहाँ, 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, 2 पर भाजपा और 1 पर बसपा को जीत मिला। क्योंकि जो जाटव मतदाता है उसका कहीं ना कहीं एक झुकाव मायावती की तरफ रहा है, बसपा की तरफ रहा है। यही वजह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बसपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। लेकिन आप देखिए कि अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं, और उसमें ही कांग्रेस ने यहाँ सफलता हासिल की थी। जो 5 विधानसभा सीटें थी उस पर जीत हासिल की, भाजपा को सिर्फ 2 पर मिली जीत और बसपा 1। अब ऐसे में ये बड़ा जो है दिलचस्प मुकाबला हो गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस ने इस पूरे क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है, भाजपा सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई विधानसभा चुनाव में। ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव जीत पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और जो कि मनोज राजौरिया मौजूदा बीजेपी से यहाँ सांसद है, अब इनको टिकट मिलता है या इनका टिकट कटेगा ये तो जब भाजपा की अगली लिस्ट आएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि विधानसभा चुनाव में इस पूरे इलाके में बीजेपी को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही हो जाता है कि क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, क्या 2014 और 2019 के जो बीजेपी के राजस्थान में आंकड़े हैं उसको वो बरकरार रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। और इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो लोकसभा चुनाव के नतीजों में ही पता चल पाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 20।